नमस्कार, मनीगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें निवेश आपको दोहरा बेनिफिट देता है। एक तो पेंशन का लाभ भी, साथ ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी, जिससे आपको रिटर्न मिलता है। अब इस एनपीएस में निवेश करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर आप घर बैठकर एनपीएस में आसानी से निवेश करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे ही तरीकों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एनपीएस से अगर आपको आंशिक निकासी भी करनी है तो भी आप घर बैठकर आसानी से अपने अकाउंट में उस रकम को पा सकते हैं, इसका भी तरीका हम जानेंगे। और कोरोना काल में एनपीएस से जुड़े हुए कुछ नियम जो आपके लिए जाने और समझने जरूरी है, उस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय करा दें। लिखिता चेपा, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट कैपिटल वाया ग्लोबल। लिखिता, बहुत स्वागत है आपका मनीगुरु में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे एनपीएस में कैसे करें ऑनलाइन निवेश, क्रेडिट कार्ड से एनपीएस निवेश के क्या है फायदे, एनपीएस से ऑनलाइन निकासी कितनी आसान, साथ ही कोरोना काल में एनपीएस निवेश के क्या है नियम। सबसे पहले बेसिक्स लिखिता, एनपीएस अब तो काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, लेकिन अगर बहुत ही आसान भाषा में, कम शब्दों में समझे, नेशनल पेंशन स्कीम के फायदे क्या हैं, किन के लिए है, कौन खोल सकता है, वो बताइए। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल के सेविंग्स को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिनका एज 18 टू 70 इयर्स के बीच में हो एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। इस स्कीम बहुत ही लो कॉस्ट और टैक्स एफिशिएंट स्कीम है। ये एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम के बेसिस पे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर सकता है। तो एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करने के दो स्ट्रेटजीज हैं, एक है एक्टिव स्ट्रेटजी और दूसरा है पैसिव स्ट्रेटजी। इन्वेस्टर को पेंशन स्कीम ज्वाइन करते वक्त एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो किस टाइप का इन्वेस्टमेंट मोड में जाना चाहते हैं। अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वो चूज करते हैं तो इन्वेस्टर्स को ये चॉइस दिया जाता है कि वो अपने फंड्स में कितना पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना डेट में और कितना जीसेक में, ये वो इन्वेस्टर खुद चुन सकते हैं। तो जो जिन इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क एपेटाइट का अच्छा नॉलेज है और इक्विटी और बॉन्ड मार्केट का भी अच्छा नॉलेज है, तो वो इस स्कीम में एक्टिवली इन्वेस्ट करके एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, उनके बिहाफ पे उनका पेंशन फंड मैनेजर जो है वो इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो खुद उन टोटल फंड इन्वेस्टेड जो है उसमें से सर्टेन पोर्शन इक्विटी में, डेट में और जीसेक में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न निकाल के देने की कोशिश करते हैं। तो एनपीएस के फायदे हमने समझे, कौन निवेश कर सकता है, आप कैसे निवेश कर सकते हैं, निवेश के ऑप्शंस हमने जाने, लिखिता ने बहुत ही क्रिस्पली आसान भाषा में बताया आप सबको। आपने कहा कि एनपीएस में निवेश करने के दो तरीके, एक तो ऑनलाइन निवेश भी कर सकते हैं और ऑफलाइन निवेश भी आप कर सकते हैं। अब ये तो हमें मालूम है कि कोरोना काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग एक न्यू नॉर्मल बना, तो घर में बैठकर कोई भी निवेश या लेन देन, उसका चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और ऐसा ही एनपीएस के साथ भी हुआ है। एनपीएस में ऑनलाइन खाते जो हैं उसमें ज़्यादा लोगों की रुचि बढ़ी है कि घर में बैठ के आसानी से एनपीएस खाता खोल लिया जाए। अब ये ऑनलाइन निवेश जो है एनपीएस का, वो कितना आसान है और उसके लिए कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है किसी सब्सक्राइबर को या जो ग्राहक इस वक्त हमें देख रहे हैं? एनपीएस में डेफिनेटली दो तरीके के ऑप्शन है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस थ्रू एनपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको अपने नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा। ये पीएफआरडीए द्वारा चुने गए कुछ बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पे जाके उनको अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इनको नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने की पूरी सुविधा दी जाती है।
पैंडेमिक के चलते हुए हमने काफी देखा है कि इंटरनेट का यूसेज ज्यादा बढ़ गया है, यूजर सभी ऑनलाइन ही प्रिफर कर रहे हैं, तो ये काफी आसान हो गया है कि एनपीएस ऑनलाइन भी खोल सके। तो एनपीएस अगर आप ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो आप ई एनपीएस के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या बहुत सारी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है जो आसानी से ऑनलाइन में अकाउंट एनपीएस अकाउंट ओपन करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। तो ई एनपीएस के थ्रू अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपको ई एनपीएस पे विजिट करके आधार या पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करना पड़ेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना अकाउंट टाइप चूज करना पड़ेगा, जैसे कि टीयर वन अकाउंट या टीयर टू अकाउंट। अगर कोई इन्वेस्टर एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो टीयर वन अकाउंट एक मैंडेटरी अकाउंट है जिसका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 500 रुपीज है, और टीयर टू अकाउंट ये एडिशनल अकाउंट होता है। टीयर वन अकाउंट अवेल करने के बाद ही आप टीयर टू अकाउंट चूज कर सकते हो। तो अगर कोई किसी का एनपीएस एक्टिव है तो इसका ये मतलब है कि उसका टीयर वन अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है। तो अपना अकाउंट टाइप चूज करने के बाद आपको अपना पेंशन फंड मैनेजर चूज करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। पेंशन फंड भी चूज करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट मोड, जैसे कि मैंने पहले ही समझाया था, एक्टिव मोड या पैसिव मोड चूज करना पड़ेगा। आप अगर एक्टिव मोड चूज करते हो तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट मिक्स भी चूज करना पड़ेगा कि कितना परसेंट आप इक्विटी में डालना चाहते हो, कितना परसेंट डेट में और कितना परसेंट जीसेक में। और अगर पैसिव मोड चूज करते हो तो आपको ये इन्वेस्टमेंट मिक्स चूज करने की ऑप्शन नहीं आएगी। ये इन्वेस्टमेंट मिक्स और सब चूज करने के बाद आपको अपना नॉमिनी असाइन करना पड़ेगा। नॉमिनी असाइन करते ही वो आपका एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर मांगेगा जो कि आपको अपलोड करके उसके बाद कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपके अकाउंट के थ्रू। आफ्टर द कंट्रीब्यूशन इज डन आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट होगा। तो ये फॉर्म डाउनलोड करके आपको सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को 90 डेज के अंदर मेल करना पड़ता है। ये सब हो जाने के बाद आपका एनपीएस अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखिता ने बताया कि ऑनलाइन अकाउंट अगर आपको एनपीएस का खोलना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहां पर जाना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इन डॉक्यूमेंट्स को आप फॉलो करके, और अगर आप साइट पर जाएंगे ई एनपीएस या पीएफआरडीए की साइट पर जाएंगे, वहां पर ये स्टेप्स आपको आसानी से मालूम चल जाएंगे आपको क्या क्या फॉरवर्ड करना है। बस आपका आधार अपडेटेड होना चाहिए और आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये कुछ तैयारियां पहले से कर लीजिएगा। अब काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं लिखिता आपसे करना चाहती हूँ। जब हम एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी रेगुलर कंट्रीब्यूशंस होती हैं, उसको भी हम ऑनलाइन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एनपीएस एक लौता एक इन्वेस्टमेंट कम पेंशन ऑप्शन है जिसमें क्रेडिट कार्ड से भी आप योगदान कर सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं एनपीएस में तो ये भी बहुत आसान है। आपको एनपीएस अकाउंट अपना एंटर करना पड़ेगा ई एनपीएस में, और यूजर आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल्स यूज करके आपको इसमें लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के बाद आपको ट्रांसैक्ट ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्ट्रीब्यूट ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ये कंट्रीब्यूट ऑप्शन आएगा आपको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद ओटीपी के थ्रू आपको इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके आप कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हो वो अमाउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये अमाउंट मेंशन करके प्रोसीड करते हो वो आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आप ये इंटरनेट पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हो, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑप्शन चूज कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करके फिर से आपको ओटीपी वैलिडेट करना पड़ेगा। वंस पेमेंट इज डन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं, ये जो लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे,
कई जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होंगे, उन्हें सब स्टेप्स मालूम होंगे, लेकिन ये स्टेप शायद काफ़ी लोगों को मालूम ना हो कि आप एनपीएस में भी योगदान क्रेडिट कार्ड से आसानी से कर सकते हैं। मतलब डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग भी एक ऑप्शन है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से किसी को अगर पेमेंट करना है तो उसके बेनिफिट हम क्या समझें, और जो उसके पॉसिबल डाउनसाइड्स हो सकते हैं वो भी जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तो हमें मालूम है क्रेडिट कार्ड से लेन देन तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूजुअली किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। एनपीएस ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये ऑप्शन किसी और इन्वेस्टमेंट में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। और क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप 50,000 के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो या 1,00,000 के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड लिमिट है उतना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये दूसरा बेनिफिट है। और अगर आपके अकाउंट में फंड नहीं है, किसी भी मंथ में आप फंड्स के शॉर्टेज हो और आपको मंथली कंट्रीब्यूशन मिस भी नहीं करना है, तो इस टाइम पे आप क्रेडिट कार्ड यूज करके अपना मंथली कंट्रीब्यूशन एनपीएस के थ्रू क्लियर कर सकते हो। और हम यूजुअली देखते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं वो मतलब फिनेंशियल ईयर एंड के एंड पे, मतलब जनवरी फरवरी में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं और टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय पे डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके कुछ स्पेंड ना करते हुए भी एक टाइप ऑफ सेविंग कर सकते हो। और हमने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देखे हैं जो कि बहुत ह्यूज रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, मतलब 3-3.5% का रिवॉर्ड देते हैं, तो जिनके पास ये बेनिफिट कार्ड्स हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर कोई व्यक्ति एवरी मंथ स्पेंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू और उसका दूसरा कोई स्पेंडिंग नहीं है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो ये इन्वेस्ट करते हुए आपका क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग भी आप इन अ वे इंक्रीज कर सकते हो। और हायर बेनिफिट्स जो होता है ये एनुअल स्पेंडिंग के लिए, वो आप अवेल कर सकते हो। तो ये तो फायदे हुए, लेकिन जो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी उस पर जीएसटी भी लगता है क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर, तो वो लगभग मंथली योगदान का कितना एडिशन हो जाता होगा लिखिता? क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन चार्जेस अदर इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के चार्जेस के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन चार्ज 0.9% तो ट्रांजैक्शन फीस है इसका, और इससे ऊपर आपको 18% जीएसटी भी पे करना होता है। मान लीजिए अगर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन 50,000 है तो आपको ये 0.9% प्लस 16% जीएसटी ऐड करके ऑलमोस्ट 6,500 का एक्स्ट्रा चार्ज इन अ ईयर पे करना पड़ता है, जो कि सिर्फ आपका एक तरह से ट्रांजैक्शन चार्ज है, क्योंकि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एनपीएस में, तो ये 6,500 रुपए ऐड हो जाते हैं। और इसमें दूसरा रिस्क ये है कि अगर आप किसी भी कारणवश अपना मंथली ड्यू क्रेडिट कार्ड का पे नहीं कर पाते हो तो ये आपका क्रेडिट स्कोर काफी हद तक बिगाड़ सकता है, और एडिशनल चार्ज जो लगता है, एडिशनल इंटरेस्ट जो लगता है क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं पे करने का, वो भी काफी हद तक इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू वही पे करना चाहिए, वही लोग कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो एकदम श्योर है कि वो ये बिल मंथ एंड तक या ड्यू डेट तक क्लियर कर सकें। वाकई तो क्रेडिट कार्ड से आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस उसके चार्जेस आपको मालूम होने चाहिए, और डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड का बिल तो आपको टाइमली पे करना ही है जिससे आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी न लग जाए।
यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जानेंगे एनपीएस से अगर आपको ऑनलाइन पैसे निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना है, और एनपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर जो पैसा होता है उसका क्या होता है, किसके पास जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। तो एनपीएस में ऑनलाइन निवेश या फिर ऑनलाइन निकासी के कुछ नियम हम समझ रहे हैं। लिखिता चेपा हमारे साथ है कैपिटल वाया ग्लोबल से। लिखिता, ऑनलाइन निवेश कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी एनपीएस में आप निवेश कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया। अब एनपीएस में से आप आंशिक निकासी भी कर सकते हैं, कुछ रीजंस की वजह से आप पैसे निकाल भी सकते हैं। तो पहले तरीका कि एनपीएस से ऑनलाइन अगर किसी को पैसे निकालने हैं वो वाकई आसान है। एनपीएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल के बाद कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रीजन से पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर आप 3 साल तक कोई अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं आपके एनपीएस में से। 3 साल के बाद आप 25% जो है अपना टोटल अक्यूमुलेटेड इनकम का, उसमें से 25% आप विड्रॉ कर सकते हो, और ये भी वन टाइम में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको मतलब 3 फेजेस में आप निकाल सकते हो, और हर एक टाइम में मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख तक का था पैंडेमिक से पहले, पर अभी वो इंक्रीज होके 2.5 लाख हो गया है। ओके, तो अब वो रिलैक्स हो गया है वो नियम। कुछ चेंजेस हुए हैं, किस तरीके के चेंजेस हुए हैं लिखिता? पैंडेमिक में इसके चलते काफी सारे चेंजेस आए हैं एनपीएस स्कीम में। एनपीएस स्कीम में पहले एंट्री लेने का एज 18-65 ईयर्स की था, पर इसको अभी 18-70 ईयर्स कर दिया गया है। और दूसरा, इसमें एग्जिट लिमिट भी बढ़ाया गया है। एग्जिट लिमिट पहले 70 ईयर्स था, वो अभी 75 ईयर्स हो गया है। जो पार्शियल प्रीमैच्योर विड्रॉल जो बोलते हैं, मतलब 60 ईयर्स से पहले अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो अमाउंट, तो इसका मैक्सिमम लिमिट एट ए टाइम 1 लाख था, पर इसको बढ़ा के 2.5 लाख किया गया है। ओके, तो बेसिकली थोड़े बहुत रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से किए गए एनपीएस में, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी, थोड़ा सा समय की मांग भी थी कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए। तो एंट्री लेवल की उम्र सीमा जो है, जैसा लेखिता ने बताया, 65 से 70 किया गया, और निकलने का की जो एज लिमिट है वो 75 कर दी गई, और निकासी को लेकर भी 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिए गए। अब जैसा मैं आपसे पूछना चाह रही थी लेखिता, ऑनलाइन किसी को पैसे अगर निकालने हैं उसके लिए कैसे स्टेप्स अपनाने की जरूरत है? अगर कोई व्यक्ति एनपीएस में से अपना फंड निकालना चाहता है, वो भी ऑनलाइन के थ्रू, तो वो एक एग्जिट रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के थ्रू इनिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए उनको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स और रेलेवेंट डेटा डालना पड़ेगा। रेलेवेंट डेटा यानी कितना अमाउंट वो लमसम के में निकालना चाहते हैं और कितना परसेंट एन्यूटी के लिए देना चाहते हैं। यूजुअली आप 60% से ज्यादा लमसम विड्रॉ नहीं कर सकते हो, और 40% आपको एन्यूटी में इन्वेस्ट करना ही होता है। तो अगर कोई 30% ही लमसम निकालना चाहता है और बाकी 70% इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये चीज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक इन्वेस्टर को एग्जिट रिक्वेस्ट इनिशिएट करते वक्त कितना परसेंट विड्रॉ करना चाहते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एंटर करना होता है। और विड्रॉल डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूडिंग KYC उनको अपडेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें अपडेट करने के बाद आपको एक OTP या e-sign के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा, जिसको वैलिडेट करने के बाद आपका एग्जिट रिक्वेस्ट प्रोसेस किया जाएगा और वो ऑनलाइन ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली जो अगर आपको ऑनलाइन पैसे निकालने भी है, जो कुछ शर्तों में अलाउड होते हैं जैसा लिखिता ने बताया भी, तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना है। वेबसाइट जो कि हमने आपको दिखाया भी, वहां पर जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन
और उसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट करके यूजुअली 4 दिन लगते हैं कि आपके अकाउंट पे पैसे आ जाते हैं। बस कुछ ही चीज़ों के लिए, जैसे अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं या बच्चों की शादी है, इनफैक्ट घर खरीदने, मरम्मत और बीमारी का इलाज, क्रिटिकल इलनेस के लिए आप जो है NPS से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन 3 साल का लॉक इन, लिखिता ने भी बताया, NPS में होता है, उसके बाद 25% आप निकासी कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन पूरे अवधि में कुल 3 बार ही आप पैसे निकाल सकते हैं, ये ध्यान में ज़रूर रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास लिखता आता है, वो ये आता है कि अगर NPS सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है 60 साल की उम्र से पहले, तो जो पैसे होते हैं, जो रकम होते हैं, उसका क्या होता है, रकम कैसे किन के पास जाती है, और अगर सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से ज़्यादा के थे तब नियम क्या होते हैं? अगर किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु 7 साल से पहले ही हो जाती है तो जितना भी अक्यूमुलेटेड इनकम होता है उनका इस NPS फंड में, वो पूरा उनके नॉमिनी को दिया जाता है। अगर किसी का नॉमिनी नहीं है तो इस केस में उनके लीगल हैर जो है उनको ये 100% अक्यूमुलेटेड कॉर्पस उनको दे देते हैं और वो ये बेनिफिट उठा सकते हैं। बट अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ 60 ईयर्स के बाद होती है तो हर एक व्यक्ति को NPS में ज्वाइन होने से पहले ही एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो इन केस ऑफ डेथ वो नॉमिनी को पूरा अमाउंट देना चाहते हैं या नॉमिनी के 60 ईयर्स तक वो उस फंड को चलने देना चाहते हैं। तो जो भी ऑप्शन NPS सब्सक्राइबर ने सेलेक्ट किया होगा उसके थ्रू वो प्रोसेस चलेगा। अगर नॉमिनी को पार्शियल विड्रॉल वो विड्रॉ अमाउंट करना है तो वो CRA में जाके विड्रॉ रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है समझाया, उस प्रोसेस के थ्रू नॉमिनी सब्सक्राइबर के डेथ के बाद CRA पे जाके एग्जिट रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो NPS से जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब हमने समझे, कुछ ज़रूरी जो प्रोसेसेस होते हैं उनको बहुत ही आसान ढंग से लिखे था आपने हमारे दर्शकों को समझाया। आज हमारे साथ आप शो में शामिल हुई उसका बहुत शुक्रिया। और साथ ही आज के इस शो में बस इतना ही, एक ब्रेक का वक्त हो गया है पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ZEE Business।